न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं आपके साथ सोनू। खबर रीवा से है, जहां नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में मतदान के लिए 232 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर निर्वाचन तैयारियों की जानकारी ली है। कलेक्टर ने सबसे पहले निपनिया मोहल्ले में वार्ड क्रमांक 2 में शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मतदाताओं से भी चर्चा की है। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित SDM तथा तहसीलदार हुजूर को प्रत्येक मतदान केंद्र में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश को ध्यान में रखते हुए मतदान तथा मतगणना के प्रबंध करें। निरीक्षण के समय आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेन सिंह, कार्यपालन यंत्री SK चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला उपस्थित रहे। कुछ नहीं, चेक करने आया था इसे।